मेरे पिछे गुरुद्वारा छेवें पातशाह इस गुरुद्वारे में आए सन। देख सकता थोड़ा मैं इस गुरुद्वारे दर्शन भी कराऊंगा, तो इस गुरुद्वारे का थोड़ा इतिहास भी सुनाऊंगा लास्ट में। चलो जी करते हैं फिर इस गुरुद्वारे दर्शन। इधरों एंट्री है गुरुद्वारे की, आ पिछे गुरुद्वारा, ये इतिहासिक गुरुद्वारा जी है। इस गुरुद्वारे थोड़ा दर्शन कराऊंगा मैं। मेरे पिछे बैठे ने सरदार जी, जो मैं इतने आ अपने छेवें पातशाह गुरुद्वारे जी पहुँचे, थोड़ा जहा थोनों इतों के इतिहास बारे भी दसन, जो अजक इतने कश्मीर के हालात ने उन्होंने बारे भी दसन। हाँ जी खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरद्वारा साहब जी छठी पातशाही गुरद्वारा रैनावाड़ी तो श्रीनगर कहा जाता है जी। गुरु साहब जी सन 1616 ईस्वी जी मीरपुर वजीराबाद तो चल के जी शादी मर गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामे विच है जी, उतों चल के सीधे इस रैनावाड़ी गुरद्वारा साहब ते पहुँचे। तो इतने एक माता भाग भारी 12 साल चोला कत के तप किया, बंदगी की, रस्ता पहाड़ी पैंडा चीर छेवें गुरु आ पहुँचे कश्मीर। गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीर दे मालक आके इस माता जी नूं दर्शन दिते, दर्शन दे के ते माता ने एक चोला खदर दा बनाया सी जी, जी। जो 12 साल तो अड़ी कर दी सी जी, गुरु साहब जी आओ ते तुम्हें पेट पेंट किता पेट किता जावे जी, जी। गुरु हरगोबिंद पातशाह मीरी पीर दे मालक उस स्थान ते भी आए जी, आके इस माता जी नूं दर्शन दिते ते माता जिहड़ा चोला बनाया सी वो तैयार करके उन्होंने पेट किया, तो गुरु साहब ने प्रवान किया। लेकिन माता दी अखां विच रोशनी चली गई सी, ते बार फू साहब गुरु साहब जी ने वर्षा मार के अमृत जल कढ के इस माता दी अखां छटा मारिया, अखां नूं रोशनी बख्शी, दर्शन किए। तो गुरु साहब जी माता भाग भारी नूं कहण लगे, माता हुण तुसीं मंगो की मंगना, आख्या सच्चे पातशाह बस मैं होर कुछ नहीं वेखना चाहती, मेरे अपने चरणा निवास बख्शो। ये कह के माता जी चोला त्याग दिता, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इस माता जी नूं फिर अपनी हथी
उसी स्थान पर संस्कार किया। संस्कार करके कुछ दिन इतने ठहरे, ठहरन तो बाद बारामूला, सिंहपुरा, परमपीला, उड़ी, मुजफ्फराबाद तो लाहौर, लाहौर तो अमृतसर चले गए। ये स्थान है माता भागावां दी, माता भाग पारी जी, जिथे गुरु हरगोबिंद साहब जी आके इस माता जी नू दर्शन दिते ते नाले सचखंड दी नवास बख्शिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो सिंह साहब इतने के अपने कश्मीर के हालात, मैं उतो जो अपना पंजाब तो आया इतने भी सुन रहा है भी बहुत हालात माड़े ने, पर मैं जब इतने आकर देखा इन्ना कोई एड्डी बड़ी खतरे वाली गल नहीं। आप टूरिस्ट इतने आ सकते घूमने वास्ते, जो भी अपने पंजाब तो आया तो गुरुद्वारे भी तुम आ सकते, कोई एड्डी कोई इतने लड़ाई पढ़ाई वाले नहीं, सपोर्ट ही बहुत वधिया, बहुत चंगे लोग आ, बहुत मिलते हैं, पर बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ ठीक ठाक, कोई भी इतने आ सकते, यात्रा कर सकते, कोई बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक है। तो मैं थोड़ा अपने मेरी वीडियो तुम देखना जितने जितने मैं गया, कई पिछली वीडियो तुम देख लियो मैं कितने कितने घूमया, सोनमार्ग सारे उ गया मैं तो बहुत जगह इतनी वधिया लगी, एन बहुत वधिया टैंपरेचर है। सिंह साहब बड़े इतने चाह का लंगर चल रहा, तो दूजे पास अपना लंगर भी चल रहा, उत्थे भी जावे, उत्थे भी थोड़ा दिखावे, और तुम सारा गुरुद्वारा देख सकोगे मेरे दे नाल। तो जो भी तुम आए थे अपने पंजाब तो तुम आए तो इतने जरूर इस गुरुद्वारे जरूर दर्शन करो जी। ओके जी, ओके जी, खालसा जी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद इस गुरुद्वारे बारे तुम जो भी गल्लां दसियां, तो थोड़ा बहुत मैंने भी थोड़ा इतने इतिहास बारे पता सी, तो क्योंकि माता जी याद कर रहे थे, सच्चे सच्चे मनों याद, सच्चों मनों याद किया। अजक जी अपनी टेक्नोलॉजी इस चीज़ को मनती नहीं है, पर हूँ यह चीज़ मननी शुरू मन लग गए, जो भी कोई कहना सच्चे दिल ना किसी याद करता तो वह बंदा वो पहुँच जाता है। ये हूँ टैलीपैथी कहते, पहला कहते टैलीपैथी होंगी, पर कहते हूँ टैलीपैथी होंगी है, जो भी कोई बंदा किसी को सच्चे मनो याद करता तो वह बंदा वो चल के पहुँच जाता, उस बंद एहसास होंगे मैं कोई बंदा याद कर रहा। उसी तरह इस माता जी भागो जी उन्होंने सचो दिलों याद कर रहे थे, तो अपने छेवें पातशाह फिर इस गुरुद्वारे इतने उन्होंने दर्शनों वास्ते भी इतों मिलन आए थे उन्होंने फिर। हाँ जी, चंगा खालसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा, थोड़ा इदा साढ़े जानकारी दी सू, मैं थोड़ा पता भी थोड़े होर भी कुछ गल्ला सीखने इतों मिली जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सू चाह लंगर भी छकाया। ओके जी, सत श्रीकाल जी, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।